पॉइंट नंबर थ्री, और वो ये है लिखना। देखिए लिखना जनरली जो विजुअल वाले हैं, मैंने कहा ना उनके लिए मार्कर्स वगैरह बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन अभी मैं सबके सब भाइयों को कह रहा हूं, सारे टाइप के लर्नर्स को कह रहा हूं, भाई बहनों के लिए, सबके लिए, सारों के लिए, स्टूडेंट्स बच्चों के लिए, वो यही है कि यू हैव टू इफेक्टिवली राइट। इफेक्टिव राइटिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर टू में कहा कि अल्फाज से आगे बढ़ के कंसेप्ट, तो उसी तरह एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत अहम बात यह है कि कलम के और पेन के और राइटिंग के थ्रू एक शख्स अपने आप को इफेक्टिव बनाए। कैसे? एक पेज पूरा लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो एक वर्ड से फुल पैराग्राफ, फुल पेज क्लिक हो जाता है, फुल कंसेप्ट एक वर्ड से क्लिक होता है। मिसाल के तौर पर आप देखोगे कुरान के अंदर सूराज का, चैप्टर्स का नाम है, ये सूरह बकरा है, वो बकरा बोलते हैं तो पूरा इंसिडेंट आ जाता है दिमाग में कि अच्छा ये इंसिडेंट है। वो एक वर्ड क्लिक होने वाला वर्ड होता है, वो एक वर्ड से फुल चीजें याद आ जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि वो एक वर्ड आपके उस पेज में होगा, वो एक लाइन आपके इस पेज पे होगी, वो पैराग्राफ में एक लाइन होगी, वो एक लाइन से आप फुल के फुल रिकैप कर सकते हैं। तो ये क्या है मामला, दिस इज दैट पॉइंट की जैसे आपने पॉइंट नंबर टू में कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया, यहां पे वो की कंसेप्ट के अंदर वो कौन से वो की वर्ड्स है उसे अंडरलाइन करना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? फॉर इजी मेमोराइजेशन और रिविजन। रिविजन के टाइम पे आपको फिर से पूरा के पूरा ना पढ़ना पड़े, आपने वो अंडरलाइन देख लिया, बोले अच्छा दिस इज द पॉइंट। हाँ, तो वो इजी रिकैप के लिए। और आप याद रखिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो एंटायर प्रोसेस है ना, कई लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं जब ये समझते हैं कि ये एक वन टाइम प्रोसेस है जो हम आगे देखने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर थ्री क्या था? राइटिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लिसनिंग। सेकंड पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट क्या है? राइटिंग। इट्स इजी टू रिमेंबर, आप अपने सेंसेस को देखिए। हाँ, लिसनिंग, इफेक्टिवली लिसनिंग, नंबर दो अंडरस्टैंडिंग, नंबर थ्री राइटिंग, नंबर फोर अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।